चैनल देख रही सारी दर्शकों का मैं राधिका शर्मा कर दी हाँ निका स्वागत। और जे जिहड़ी सानू एमएसपी मिलती है एमएसपी तो ज्यादा साडे कोल तीन चार साल लगातार उन्होंने सानू एक वधिया एसी कमरे च लिजाणा है और एसी कमरे विच तुहानू ठंडे तत्ते भी मिलने कॉफी भी मिलनी है और तुसीं फुल जाणा। अज असीं अपने एक महान चैनल के माध्यम राही तुहानू दिखा रहे हैं विरोधी जो टोल टैक्स है। अज लोक हित मिशन किसान यूनियन वालों इत्थे बहुत वड्डा धरना लगाया गया है ते बहुत ही महान लीडर ते उभरे फिल्मी अदाकार मनकीत राणी जी अते होर भी जिन्हें शिक्षिता इत्थे पहुंचिया ने सियासी पार्टियां ते समाजिक पार्टियां सारियां दे तुहानू असीं अज सुना रहे हैं विचार। देखो जी वो कोई रैली नहीं कढ़ रहे, वो सिर्फ अपने वोटां पक्कियां कर रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये लोग सानू समझना चाहिए कि असी अकालियां नाल तुरना कांग्रेस तुरना तो अपने किते बचाने ने। जदों साडियां यूनियन ने इकट्ठे होकर कहा कि आपो अपने झंडे छड के साढ़े झंडे ते बैठो तो उन्होंने साढ़े झंडे थले आना चाहिए सी, क्योंकि हमेशा साडे लोग जिहड़े कदे अकाली दल की रैली जाते हैं कदे कांग्रेस की जाते हैं कदे आम आदमी पार्टी की रैली जाते हैं, पर पहली बार किसान जथेबंदियों ने कहा कि साडियां रैलियां च आओ साढ़े झंडे थले बैठो तो साढ़े नाल संघर्ष करो। संघर्षों से बहुत रहे हो सर काफ़ी लंबे समय तो, जिम्मे हम तत्ती जथेबंदियां थी उन्होंने तीह रह गई, लखोवाल से काफ़ी बड़े दोष लगे हैं तो हूँ आने वाले दिनों लगता नहीं कि जो तीह जथेबंदियों में आप लीडर चुन के केंद्र सरकार में भेजिए तो आप आने वाले दिनों में इदा के जो कानून ने ना आने साडे वास्ते। देखो जी जथेबंदी होंगी जथेबंदी का एक मकसद होंगे जथेबंदियां बनदिया लोगों को इंसाफ दो लोग घोल लड़न लई, जे जथेबंदियां जी इतने अनाउंस कर दी कि साडा बंदा फलाना एमएलए है सारे बंदे उठ के भजनगे, वो कहेंगे वो भी एक अकाली कांग्रेस वाली गल होगी। सो ये पहला घोल जितना साडा मकसद है, जिहड़े लोग इहो जे सवाल करते हैं बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सारे जथेबंदियां इकट्ठिया हो जाओ इकट्ठिया होकर अपना एक प्रोग्राम बना लो, ये इन घोलों नू फेल करन दी गल है। जदों साडा घोल साडा संघर्ष पूरे जोबन से है उदों इहो जिहियां गल्लां करनियां गलत है, लोगों को पाड़न की कोशिश की जाती है। 15 दिन हो गए सर टोल टैक्स ही बंद हो गए पंप भी बंद हो रहे हैं पर लग रहा है जी कि मोदी सरकार झुक रही है ज़्यादा। बिल्कुल झुक रही है क्योंकि बार बार जिहड़ियां साडियां स्टेट दियां भाजपा दी पार्टी है वो बार बार कह रही है नंबर बनाउण लई आ जाओ थोड़ी मोदी नाल गल कराइए आ जाओ फलाने नाल गल कराइए। सो साडा किसे पार्टी नाल फंडा नहीं, साडा तां सरकार नाल, सरकार सानूं न्यौता देऊगी, साडे साहिबान जाणगे लीडर साहिबान किसान यूनियन दे जाणगे गलबात करनगे। पहली बार होया जी जिहड़ा सारे फिल्मी एक्टर कलाकार इकट्ठे होए ने, क्योंकि लगातार ये बब्बू मान वालों कहा जाता कहिंदा कि साडे जिहड़े एक्टर भरा ने कलाकार ने इकट्ठे नहीं होंदे जद तक साडा मिशन फतेह नहीं होंदा। सर सारे इकट्ठे ने, यह कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, सिर्फ मीडिया में खबर चाहिए होंगी फलाने बंद चक लो उन्होंने चक लो, कोई ऐसा मकसद नहीं। दीप सिद्धू धरना देखो हर बंदा आपो अपनी कॉल दिंदा है पर जी साडे वालों कॉल है कलाकारां दी इक्को इक जथेबंदी है नॉर्थ जोन फिल्म एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसीएशन जिहदा 250 मैंबर है, उस तो बाद कल्ले बंदे का कोई निजी विचार हो सकता है, वो जो मर्जी कर सकता है, कल्ला धरना ला सकता नहीं ला सकता, बहुत सारे बंदे कहणगे धरने च नहीं जाना, ये निजी विचार हो सकते हैं, पर जथेबंदी जिहड़ी साडी इक्को इक संस्था है नॉर्थ जोन फिल्म एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसीएशन जिते जिते पंजाब धरने लग हुए हैं उत्थे हर जगह बंदे उन्होंने बैठे ने कितने जरूर बैठे। आने वाले दिनों में किन्नी आस लगती है कि दिनों आर्डीनेंस रद्द हो जाएगा? यह आर्डीनेंस रद्द कराने चाहे महीना लगे चाहे 20 दिन लगे चाहे 6 महीने लगन, इसी तरह धरने लगनगे असीं नाल बैठांगे। पहले तो मैं थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करदा भी तुसीं समुचा मीडिया समुचे चैनल वाले भरा जिहड़ा इस संघर्ष का तुसीं साथ दे रहे हो, क्योंकि जिहड़ा इस संघर्षां दी उपज है जेकर असीं जिउंदे रहना तां उहदे लई संघर्ष बहुत जरूरी है। अज हिंदुस्तान की जिहड़ी आर्थिकता है वह पूरी किसानी ते निर्भर करती है, पर जदों दा देश आज़ाद होया उस तों बाद समें दीआं सरकारां ने 72 साल दे विच किसानी मजदूरी व्यापारी सब जिहड़ा झंब के रख दिता। साडे पंजाब खास करके पंजाब है जिहड़ा पूरे हिंदुस्तान का जिहड़ा अन्नदाता कहा जाता, देखो दाता शब्द किड्डा वड्डा शब्द है, किसान के लिए अन्नदाता वरत्या गया, यह बहुत माण वाली गल सी, बहुत वड्डी गल सी, परंतु हुण मोदी सरकार ने जो तीन पहले तो ऑर्डीनेंस लिया बाद च उन्होंने धक्के गलत तरीके बिलों का रूप दिता, जेकर ये बिल लागू हो गए तो जिहड़ी पंजाब की किसानी है जां हिंदुस्तान की किसानी है उहदा किसानां दा रस्ता सीधा सिवियां वल नूं जा रहा। अज जेकर पंजाब का किसान डुबदा जेकर हिंदुस्तान का किसान डुबदा तो समझ लो व्यापारी भी डुब गया, आढ़ती भी डुब गया, साडा मजदूर भी डुब गया, जिहड़े पंजाब जां हिंदुस्तान की जिहड़ी आर्थिकता है वह किसानी ते निर्भर करती है वीरो, 80% लोग हैं जिहड़े किसानी दे नाल संबंधित हैं, इस करके इन्हां काले कानूनां नूं वापस कराउण लई
अडानिया अबानिया वड्डे घराणियां फायदा दे के जो मोदी फायदा पहुँचाना चाहता। देखो अज अमेरिका कनेडा इंग्लैंड भी 150 साल पहले इस तरह के किसान से कोई 20 किले वाला कोई 50 किले वाला अज उ 20,000 एकड़ के मालिक है 50,000 एकड़ के मालिक कंपनियां बन गई। अज एक लसन की पोथी छिली हुई वह 400-400 रुपए च दे रहे पैकेट च पा के जो असी 60 रुपए किलो लसन नहीं ले सकते तो असी एक पोथी छिली हुई लिफाफे में असी 400 रुपए की किमें अपने बच्चों को खवा देंगे। इस करके बहुत जरूरी है इस संघर्ष के सू सारे भावें कोई मुलाजम है क्योंकि अज सीधे तौर पर लगता भी सिर्फ किसान ने प्रभावित हैं पर वीरो जदों लागू हो गए उस तो बाद ये व्यापारी ने भी प्रभावित होना ये मुलाजम ने भी प्रभावित होना ये हर वर्ग ने जोड़ा वह बेड़ा गर्क हो जाना जेकर समय सिर यह कानूनों वापस ना कराया गया तो आने वाले जोड़ा पंजाब का शाना मत गौरवी इतिहास है जिन्हों खत्म करते मोदी तुलिया पाया वो भी साड़ी विरासत जी सत सदा ही खोई जाऊगी। पूरे पंजाब तो ही सारे हल्के तो असं भी कल 20-25 गड्डिया का काफिला लेकर दिल्ली जा रहे हैं। पूरे पंजाब तो जंत्र मंत्र अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई दिल्ली के जोड़ा इसका विरोध किया जाऊगा किसानी बिलों वापस कराने कल जंत्र मंत्र जोड़ा भगवंत मान जी की अगुवाई हरपाल चीमा जी की अगुवाई पंजाब तो जोड़े वफद जाएंगे जी। अगली रणनीति तो जी जदों तक बिल वापस नहीं होंगे वैसे ही मौत के खूह जा रहे हैं जदों तक वापस नहीं उदों तक संघर्ष जो जारी रहेगा तो आम आदमी पार्टी किसानों के नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के हमेशा खड़ी रहे। एदी सोच जागे 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 नी साडे पिंडा दे लोक डाकू दिलिए जी असी वैसे नौजवान सभा पंजाब वालों असी लगातार नाटक तो वैसे शमूलियत करते रहे परचे पुरचे वंड रहे पिंड असी लोक हित मिशन कमेटी के नाल जिस तरह भी सारी कमेटी का जो डिसीजन होएगा जिस तरह भी अगे एक्शन लैन की गल होगी असी उस तरह ही करा बाकी प्रचार प्रसार साडा गीतां राही नाटकां राही ते जिवें आ धरने विच शमूलियत साडी हैगी है जिवें अगे होएगा जी वो बारे जिमें सीधा ही जो गुंडा राज है जो मनुस्मृति लागू करने की साढ़े तो कोशिश कर रहे हैं जिमें कुड़ी नाल धक्का इस करके होया क्योंकि वह दलित समाज तो सी तो जोड़ा यह कहा जाता बार बार भी उन्होंने दलित ना कहो तो यह सानू देखने की लोड़ है कि उस नाल धक्का इस करके होया क्योंकि वह दलित जात तो सी तो जिन्हों कह जाता उच्चिया जात ठाकुरिया कि जो योगी जोड़ा आप है वो आप ठाकुर जात तो है तो सीधा सीधा जोड़ा उत्थे इन्ना धक्का करन तो बाद कुड़ियां कुड़ी नाल उहदे परिवार नाल तो उत्थे मीडिया नूं नहीं जाण दिता गया वो यही दिखाउण लई जाण दिता गया सी इह शरेआम इदां ही होएगा। दलितां लई ते घट गिणतियां लई इस साडे समाज 'च कोई बहुत वधिया रवैया ये देखण नूं मिलदा नहीं। ते तुसीं नौजवानां नूं की संदेश दिओगे नौजवान शमूलियत घट रही है धरने ते इन्हां बारे बोलो। देख जी अड अड थावां ते बहुत सारे शमूलियत दिखा भी रहे हैं नौजवान तो जिथे घट है उत्थे मैनूं लगता भी आप जाके पिंडां विच ते अलग अलग थावां विच असी भी जाके नौजवानों नूं अपील करांगे कि धरनियां विच आण जिथे साडे बजुर्ग बैठे ने असी मोढे नाल मोढा जोड़ के जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये सारिआं दी लड़ाई है जी एक दी नहीं हैगी किसान औरतां भी हुंदियां ने मजदूर औरतां भी हुंदियां ने जिवें ते किसानी वाला जदों धक्का होणा है जां उस तों बिना भी जिहड़ा समाज हैगा जदों रोटी महंगी होएगी खाने वाली चीज़ा महंगिया होनगियां तो औखा उन्होंने भी होगा तो इसलिए असं कहेंगे कि औरतं भी जड़िया है ने, वो बराबर शमूलियत करन ते मैं तो सारे नाल वाले भी अपील करांगी जिहड़े धरने ते सारे साथी बैठे ने कि वह अपने घरों भी शुरुआत करन ते औरतां नूं भैणां नूं बीबियां नूं लैके आऊगा। जी बिल्कुल जोड़ा यह धरना हैगा जी तुम जिमें देख सकते हो टोल प्लाजा अपने बंद किया हुआ जी तो जोड़े किसान विरोधी बिल मोदी सरकार वालों पास किए गए हैं जी और विरुद्ध धरना है जी तो बहुत ही शर्म की गल है जी पहला जोड़ा अपना नारा होंगे सीगा जय किसान जय जवान का होंगे सीगा तो हूँ तुम देख लो ना तो यह जा किसान जा जवान का नारा हो चुके जी ना तो किसान की लड़ है जी ना जवान की लड़ है जी क्योंकि मोदी सरकार जी मनमर्जी कर रही है जी ये की है बिल्कुल जोड़ा किसान है जोड़ा बिल है पास होना किसान बिल्कुल जी किसानी खत्म हो जाएगी किसानी ही नहीं गली जिमें जी ट्रांसपोर्ट वर्ग है जी मजदूर वर्ग है सारा ही जोड़ा सिस्टम है खराब हो जाएगा जी क्योंकि ये होर भी क्वेश्चन है क्योंकि जोड़ा लोग नौजवान जोड़े है उन्होंने किसान विरोधी बिल के बारे एक्चुअली पता ही नहीं है जी। हाँ जी जिमें कि मैं थोड़ा कुछ पॉइंट दसदा जी
ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਸਲ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਿਚੋਲਪੁਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਰੀਵੇਟਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀਵੇਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਲੋਅ ਕਾਸਟ ਲੋਅ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਇਨਕੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟ ਹੈ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਗੇਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਆਹ ਤੈਰਾਕੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਗੁਨਾਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਲਾਇਆ ਸੁਮੇਰ ਸੈਣੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਨ ਕਰਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੀਤੀ ਵਿੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਦੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਆ ਕੇ ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਗਸਤ ਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਉੱਤਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੀ ਨੇ ਬੋਲੇ 13 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ 13 ਦੇ 13 ਐਮ ਪੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੀ, 13 ਦੇ 13 ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੱਕੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਧੀਮਾਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।